ऐसे हैं, सब जगह सब खैरियत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि जो है बच्चों को जो शौक़ वगैरह होता है, जो बिज़नेस वगैरह का जो जिसके अंदर के जहन काफ़ी लगे कि जो है हमें ये बिज़नेस करना चाहिए, वो बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन जो मकसद पेरेंट्स का जो हिसाब होता है कि जो है बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट वगैरह बने। तो देखें, हर इंसान की एक अलग अलग सोच होती है। तो एक मैसेज है छोटा सा, क्योंकि देखिए जो बच्चों को जिस चीज़ में शौक़ हो उसी चीज़ के अंदर ही जो है इंसान को आगे से आगे उनको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि असल में कुछ लोगों का ये मानना भी होता है कि जो है हम जो है ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा जो बेटा है वो ऑफिस वर्कर तो नहीं, खैर उसका बिज़नेस कहीं और ही जॉब होनी चाहिए। हर चीज़ के बारे के अंदर जो है काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो लिहाजा तौर पर बात सारी ये है कि कुछ कुछ नॉर्मल सी बात है कि जो है बच्चों को जिस चीज़ का शौक़ हो उसी चीज़ के अंदर ही रखना चाहिए बच्चों को। कि भाई जिसको कैमरा चलाने का शौक़ है तो उसको आगे से आगे हेल्प करनी चाहिए, जिसको कंप्यूटर का, और मकसद पायलट वायलट तो ये तो काफ़ी दूर हो जाता है क्योंकि जो है इसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, और जो है मकसद पढ़ना भी पड़ता है, और डॉक्टरी के लिए भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है। फिर उसके अलावा मकसद हर चीज़ के लिए तो मकसद पढ़ाई सबसे पहले है, चाहे मीडिया हो या चाहे जो भी बाहर के जो भी ऑफिस वगैरह, हर चीज़ बिजनेस वगैरह के बारे के अंदर तो जो है पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी ज़रूरी है। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है हमारा, तो टॉपिक इस तरीके से है कि जो है कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो है हम जो है मिसाल के तौर पे जो है कुछ लोग जो है सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं तो कहते हैं कि हमारा बेटा जो है ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे, इंजीनियर वगैरह कुछ भी बने XYZ, लेकिन अलावा कामयाब करने वाला है। लेकिन इन बच्चों का जो शौक़ हो आपको जो है उसी के अंदर ही, उसी फील्ड के अंदर ही बच्चों को रखना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो है जो इंसान बाइक मैकेनिक है उसका बेटा बाइक मैकेनिक के अंदर ही हाथ साफ़ है, जो बंदा हेयर स्टाइलर है उसका बच्चा जो है हेयर स्टाइलिंग के अंदर ही उसका हाथ साफ़ होगा। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि ये विरासत से मिलती हैं ये चीज़ें। विरासत से मकसद ये होता है कि जो है बाप दादा, मामू, ताया, चाचा जो मकसद ये जो काम करते हैं, हेल्प वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो अपने काम के अंदर और अपने शोबे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रिलियंट होते हैं कि यार ये चीज़ शोबा वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उस हवाले से जो है उस हवाले की जो मकसद बात ये होती है कि कुछ लोगों का ये होता है मानना कि मैकेनिक की लाइन के अंदर पैसा बहुत है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है मकसद डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाने पकाने के अंदर ज़्यादा बिजनेस है, क्योंकि कराची के अंदर ज़्यादातर जो है कराची के रेस्टोरेंट वगैरह ही हैं, सब कुछ बहुत बेहतरीन माशाल्लाह से बहुत आला चलते हैं यहाँ पर। तो मकसद आपने तो देखा होगा कराची के अंदर जगह जगह जो है फूड सेंटर्स वगैरह खुल गए हैं, काफ़ी खाने की तो भरमार है, सॉरी कि जो है हर जगह पे बंदा जो है पिकनिक पार्टी वगैरह हर चीज़ मना सकता है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों के पर ऐसा है कि जो है बिजनेस जो है हर चीज़ एक जो है मकसद एक अपना एक वो है कि मछली खाने के लिए जाते हैं तो जो है वहाँ की मांडी पर मछली खाने के लिए जाते हैं राशिद साहब के पास, और फिर इसके अलावा जो है दीगर दीगर के नहारी खाने के लिए जाते हैं, तो वो मकसद वो मशहूर जो है जावेद नहारी जो है, इसके अलावा जाहिद भी हैं वो भी मशहूर है, फिर हलीम खाने के लिए जाते हैं, तो जो है मकसद बंस रोड वगैरह हर जगह जो है मशहूर है। लेकिन ये है कि जो है बिज़नेस करना चाहिए, हर चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। देखिए पैसे थोड़े हो या कम हो कोई बात नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को बिज़नेस करना चाहिए। एक अपना कारोबार मकसद छोटे से शुरू होता है कारोबार, जो कि मतलब लोग कहते हैं कि यार बिज़नेस के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका देखो आपका एक माइंड होता है जो कि आपका जहन होता है कि यार मैं 1 से 2, 2 से 3 कैसे बना सकता हूँ इसको, तो आगे से आगे ये होता है, बाकी अल्लाह पाक बरकत देने वाला है। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने बिज़नेस की, और मकसद जो खाने का है कुछ भी है मकसद, आजकल तो देखें ज़्यादातर तो मार्केट सैलून्स वगैरह की है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो है सैलून्स वगैरह काफ़ी सारे लोग ही रेकमेंड कर रहे हैं आजकल कि सैलून ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ में सैलून ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो है ये सब एक अपनी सोच है, एक अपना एक है भाई, बिज़नेस सब लाइन के अंदर करने वाला होना चाहिए। लेकिन बिज़नेस करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि जो भी आप काम स्टार्ट करें
वो आपको खुद को आना चाहिए जैसा भी है, लेकिन आप उसको उस्ताद होना चाहिएगा। लेकिन जो है बस कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम फाइनेंस कर देते हैं, चार बंदों को खड़ा कर देंगे, हम कुछ भी बनाते हैं चार बंदों को खड़ा कर देते हैं अच्छे काम करने वालों को। लेकिन ये है कि जो है कुछ काम करने वाले होते हैं जो कि कभी भी जो है पलटी वगैरह मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि यार बिज़नेस नहीं है, या हम कहीं और जो है कहीं और एक अच्छा बिज़नेस मिल रहा है, हम वहाँ पर जो है अपनी अच्छी रोज़ी रोज़गार कर सकते हैं इसको छोड़ के। अब देखें जिसका जो बिज़नेस होता है वो तो बंदा ये सोचता है कि यार बिज़नेस चल रहा है, एक ताहयात वाला सिस्टम है, लेकिन दूसरों की सोच में यानी कि जो एम्प्लॉय वगैरह की सोच में क्या चल रहा होता है ये किसी को भी नहीं पता। तो बिल्कुल इस चीज़ का आप काफ़ी ख्याल रखें जो भी बिज़नेस करें, तो सबसे पहले वो ख़ुद उसको उस्ताद होना चाहिए। कुछ भी हो, गाड़ी का काम हो, खाने का काम हो, या कुछ भी हो, एवरी समथिंग इज़ हो, लेकिन उसके अंदर आप उस्ताद होना चाहिए, तभी जाके जो है बिज़नेस वगैरह आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला जो है मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो है आने वाले वक्तों के अंदर मैं इंटरव्यू लूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंटरव्यू लूँगा मैं और जो है सबके इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।